ये जो चैप्टर है लॉगरिथम, ये आपको आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उन सभी चैप्टर्स के अंदर ये यूज में आने वाले हैं। जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे चाहे वो 11th हो चाहे 12th, इन दोनों के अंदर इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट वो यूज में आ रहे हैं, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं। लेकिन ये एनसीईआरटी वगैरह टेक्स्ट बुक में है, ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले से पढ़ के आए हो, लेकिन हमें पता है आपने पहले इसको इतना अच्छे से डेप्थ में नहीं पढ़ा, इसलिए हम उसको पहले ही पढ़ लेते हैं। लॉगरिथम, जॉन नेपियर, ये एक बंदा था, जॉन नेपियर, 17th century, 17वीं शताब्दी के अंदर एक बंदा, उस टाइम जब हम लोग औरंगजेब और इन लोगों से तलवारें टिंटिना रहे थे ना, तब एक बंदा था जिसने जिसका पूरा भाती दिमाग उसकी ये चीज़ें निकाल के लाया, लॉगरिथम, ठीक है। अब देखिए लॉगरिथम है क्या, हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्या इसका यूज है, बेस क्या है इसके पीछे। तो ये जो जॉन नेपियर था इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी, इसको प्रॉब्लम थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर, वहाँ इसको बहुत दिक्कत थी। तो इसने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन बनाया कि जिससे आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में करके और फिर फाइंड कर सकते। क्या बोला मैंने कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसको पसंद था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, और उसके बाद तो उसको पता ही है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले के टाइम में जो कैलकुलेशन होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, उन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, इजी करने के लिए ये फंक्शन काम में लिया है। अभी तो आपकी कैलकुलेशन जो आप करते हो न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशन कैलकुलेटर और कंप्यूटर पर कर देते हो फटाफट हो जाती है, कितना फास्ट हो गया। अब उस ज़माने में सोचो 17th century, 18th century, उस टाइम में तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं, तो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती थी, उन कैलकुलेशंस को कम करने के लिए इजी करने के लिए ये फंक्शन काम में लिया था जिसको बोलते हैं लॉगरिथम। उसके बाद ये जो लॉगरिथम है इसका एरिया थोड़ा बढ़ गया और बहुत सारी जगह यूज में आ गया, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन लॉगरिथम जो हमने देखा। अब बात करते हैं इस चैप्टर की, तो एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, मैं आपको बता दूं कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन टू फॉर्म, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, उन दो तरीकों में एक तरीका होता है जो मैंने आपको बताया, नहीं बेटा एल्गोरिथम और लॉगरिथम में कोई कनेक्शन नहीं। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन टू फॉर्म, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है आप उसको दो फॉर्म में लिख सकते हो, फर्स्ट फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या, कि दुनिया का हर पॉजिटिव रियल नंबर आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, किस फॉर्म में बता, मैं बोलता 36 को आप क्या लिख सकते हो, 6 स्क्वायर लिख सकते हो, मैं बोलता 49 को आप 7 स्क्वायर लिख सकते हो, मैं बोलता 125 आप इसको 5 क्यूब लिख सकते हो, तो बोलता 81 आप 3^4 लिख सकते हो। ये जो फॉर्म है इस तरह से लिखनी, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a^x, दुनिया का हर रियल पॉजिटिव नंबर, एंड क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर, दुनिया का हर पॉजिटिव रियल नंबर को आप इस वे में लिख सकते हैं।
इस वे के अंदर ये जो है उसको बोलते हैं बेस, और ये जो होता है x उसको आप बोल सकते हो पावर भी बोल सकते हो और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म a रेस्ट टू x, वेयर n इज रियल पॉजिटिव नंबर, a इज बेस एंड x इज पावर और एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, तो 6 बेस है, 2 एक्सपोनेंट है और 36 की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 125, 5 बेस है, 3 उसकी एक्सपोनेंट है और 125 क्या है वो उसकी वैल्यू है। तो ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दूसरी फॉर्म आती है लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है, लॉग क्या बताते हैं, आप इसको ऐसे लिखते हो लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 इक्वल टू 2। अब ये मैंने क्या बता दिया, अब ध्यान से सुनो, लॉग क्या बताता है कि 6 का कौन सा पावर 36 होगा, ये आपको एक्सपोनेंट बताए 6 का कौन सा पावर 36 होगा। जैसे इसमें एक्सपोनेंशियल में क्या बताता है कि 6 का 2 पावर 36 होगा, समझ में आया। ये एक्सपोनेंट क्या बोलता है, एक्सपोनेंट बोलता है मेरे पास पावर है मुझे वैल्यू चाहिए। लॉग क्या बोलता है, मेरे पास वैल्यू है मुझे पावर चाहिए, इस बेस कितनी पावर है ये 36, पावर मुझे बताओ, एक्सपोनेंट बताओ। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते, समझ में आया, ये एक दूसरे के एंटी होते, इसलिए इसको एंटी लॉग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एंटी लॉग भी बोलते हैं। ये जो ए रेस्ट टू एक्स है ना, इसको एंटी लॉग भी बोलते हैं ना, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, लोग उनका लोग है, उनको हैंडल करने वाले कौन लोग होते हैं, आंटी लोग। ये जो आंटी लोग होते हैं ना वो इनको हैंडल कर सकते हैं, समझ में आया। इसीलिए बोलते हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो एंटीलॉग फॉर्म भी बोलते हैं। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बताता है कि मेरे पास एक्सपोनेंट तो है, पावर है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी वो मैं बताऊँगा। लॉग क्या बोलता है, मेरे पास वैल्यू है, पावर चाहिए, पावर मैं बताऊँगा। तो समझ में आया, ये है लॉगरिथम। अब लॉग के अंदर आप इसको ऐसा लिख सकते हो log of n to the base a equal to x। ये बोलता है कि n a का कौन सा पावर है, तो आप बोलोगे a का x पावर है वो n मिलेगा। तो ये पावर बताता है, एक्सपोनेंट बताता है लॉगरिथम, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, log of n to the base a equal to x, इसको ऐसे पढ़ते हैं log of n to the base a equal to x, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है log of y to the base a equal to c, इसको ऐसे पढ़ेंगे log of y to the base equal to c, log of y to the base a equal to c। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा log of 81 to the base 3 is what, तो आपको बताना है कि 3 का कौन सा पावर 81 होता है, 3 का कौन सा पावर 81 होता है, तो वो होता है 4। ठीक वैसे ही मैंने बोला कि log का log 81 है वो 9 का कौन सा पावर होता है, तो आप बोलो 2, 9 का 2 पावर है वो 81 होता है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, उसका बेस दे रखा है, आपको उसकी पावर बता। तो बहुत सारे टर्म तो ऐसी है जिसकी पावर हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे टर्म ऐसी भी है जिनकी पावर हमें नहीं पता, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये लॉगरिथम फॉर्म है ना, इसमें कोई ना कोई रिलेशन निकाल लेते हैं। एक बार कोई रिलेशन निकल गया, उसके बाद एक्सपोनेंशियल तो हमें पावर बता देगा और लॉग हमें वैल्यू बता देगा, तो वैल्यू की पावर हमें इजीली मिल जाएगी, समझ में आया। तो लॉगरिथम क्या है ये समझ गए आप लोग, रियल पॉजिटिव नंबर क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, और फिर उसके बाद लॉगरिथम फॉर्म क्या है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ाता हूँ। आप में से किसने पूछा है, डेलिया कोई जॉन नेपियर बेटा एक खुराफाती दिमाग वाला पर्सन था, जिसकी वजह से हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा था।
real positive number or it can also be negative norm. नेगेटिव नहीं, ओनली पॉजिटिव. चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, डन. 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 ओके. चलो अब हम चलते हैं. ये चैप्टर ही लॉगरिथम है. ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर लॉगरिथम. और उसके अंदर हम उसका बेसिक पढ़ते, बिल्कुल बेसिक. मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं ना वैसे. अब देखो मैंने ये लिखा log of n to the base a equal to x. अब मैं ये बात तो पहले आपको क्लियर कर चुका हूं कि ये जो n है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर. इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउ ही नहीं, आपको कोई अलाउ नहीं है नेगेटिव वैल्यू, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू. दूसरा ये जो a है वो क्या है, बेस, बेस. और इसकी वैल्यू क्या होती है, ए शुड बी पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव होगा और ये इक्वल टू वन भी नहीं होगा. और एक्स है वो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है. अब मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूँ, समझाता हूँ. अभी मैंने बताया था कि एन फॉर एनी रियल पॉजिटिव नंबर वी कैन एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एन लॉगरिथम. एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे मान लो 36 है तो 6 स्क्वायर लिखा कि इसका आ गया और ये है आपका रियल पॉजिटिव नंबर. नेगेटिव नंबर को क्यों नहीं कर सकते? अब सुनो, नेगेटिव जैसे मैंने बोला कि माइनस ऑफ 4, आप इसको कैसे लिखोगे? माइनस 2 का स्क्वायर लिखोगे? नहीं लिख सकते. माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 होगा. क्या 2 का स्क्वायर लिखोगे? नहीं, वो भी 4 होगा. तो फिर माइनस 4 को लिखोगे कैसे? पॉसिबल नहीं है ना. इसलिए नेगेटिव वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. दूसरी चीज, ये बेस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 0 की होता है. क्योंकि जैसे मान लो मैंने बोला कि 2 की पावर कितना और 2 कितना होगा, आप बोलोगे 4. 2 की पावर 4 आप कितना होगा, आप बोलोगे 16. वैसे ही मैंने आपको बोला माइनस 2 की पावर 1 कितना होगा, आप बोलोगे माइनस 2. मैंने बोला माइनस 2 की पावर 2 कितना होगा, आप बोलोगे 4. यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. जैसे ही मैं बोलता हूँ माइनस 2 की पावर x कितना होगा, तो आप बोलोगे नहीं, अब सर अब मेरे बस का नहीं. यहाँ तक तो मेरे बस में था, अब मेरे बस में नहीं है. क्यों? क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है ना. माइनस 2 की पावर किसी ने 1/2 लिख दी तो क्या होगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 आ जाएगा. नॉट ए रियल नंबर, इट इज इमेजिनरी नंबर, नॉट रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर. कहानी क्लियर हुई? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर बेस नेगेटिव है तो हमें आपको बार बार ये बताना पड़ेगा, अच्छा ये लिखो, ये मत लिखो, नहीं ये पावर मत लगाओ, नहीं ये पावर लगाओ, ये सब होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को नेगेटिव लेते ही नहीं है. बेस अपना नेगेटिव होना ही चाहिए ताकि ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. ये रखो, ये मत रखो, ये सब कुछ खत्म होगा. अभी सुने, बेस क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. लॉग का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए. अब ये जो बेस है वो 1 क्यों नहीं होना चाहिए? 1 इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि लॉग ऑफ 1 और ये मैंने बोला 2, या फिर आपको बोलता हूँ कि ये 1 की पावर 2 कितना होगा, आप बोलोगे 1. 1 की पावर 3 कितना होगा, आप बोलोगे 1. 1 की पावर 50 कितना होगा, आप बोलोगे 1. 1 की पावर माइनस 4 कितना होगा, आप बोलोगे 1. मतलब इस 1 की कोई भी पावर लगाओ आपको हमेशा क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है. तो लॉग के अंदर जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि लॉग ऑफ 4 टू द बेस 1, 1 की कौन सी पावर 4 होगा, तो आप बोलोगे हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं. 1 की कोई भी पावर लगाओ 4 हो ही नहीं सकता. 1 की पावर कुछ भी लगाओ क्या मिलेगा, 1. तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 टू द बेस 1. अब मैंने आपसे पूछा ये कितना, तो आप बोलोगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही रहेंगे, इनफाइनाइट होंगे. क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा है कि इस 1 की कौन सी पावर 1 होगी, आप बोलोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 100, 1,000, 1,00,000. 1 की कोई भी पावर लगाओ आपको 1 ही मिलने वाला. नेगेटिव पावर लगाओगे तो भी 1 मिलेगा. तो इसके कितने सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है. आप यूनिकली कैसे डिफाइन कर पाओगे इस चीज़ को,
नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जो बेस है वो वन नहीं होना चाहिए, बेस है पॉजिटिव होना चाहिए और लॉग के अंदर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। क्या ये तीनों बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ? इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि लॉग का कोएफिशिएंट है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए और लॉग का जो बेस है वो पॉजिटिव हो लेकिन वन भी है, ठीक है? चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं इसको बता रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म में क्या कनेक्शन है, हम कैसे फाइंड करेंगे किसी वैल्यू अगर हमें उसकी पावर नहीं पता हो। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है या मेरा ये समझ में नहीं आया बोर्ड पर क्या लिखा है, तो आप प्लीज को देख सकते हो, ये जैसे अपलोड होगा आप उसमें देख के और क्लियर कर सकते हो क्या था। अब देखिए ये लॉग है, जैसे मैंने अभी बोला कि लॉग ऑफ अ 1 to 1 और बेस 11, आपसे पूछा आप बोलोगे सर 11 का कौन सा पावर 121 होता है, तो आप बोलोगे सर 2 पावर 121, तो आपको ये तो पता चल गया इसका 2 पावर। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ गया कि लॉग ऑफ 9 और ये 27 कौन सा पावर है, तो भी आप कर लोगे। इनके अगर आपसे ये पूछता हूँ कि लॉग ऑफ 2/3 और ये पावर है 10024 डिवाइडेड बाय 30095, अब आपसे पूछता हूँ ये इसका कौन सा पावर है, तो फिर आप क्या करोगे, इसकी पावर कैसे ढूंढ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म जो है इन दोनों का एक रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, उससे हमें पावर भी मिल जाएगी और वैल्यू भी। तब रिलेशन क्या, हम इसको ध्यान से समझें, लॉग ऑफ ए टू द बेस डी इक्वल टू एन लिख देता हूँ, एन लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ जो हमने पहले लिखा है। अब सुनना, एन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। इसको एक थोड़े से दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे लॉग को आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि जो ब्रांच होती है बड़ी ट्री की, बड़ी ब्रांच वो लॉग होता है। तो ये हो गया आपका ब्रांच ट्री की या फिर पर एक लकड़ी है और उधर जो है वो है एक बुढ़ा आदमी, तो उसके हाथ में एक लकड़ी चाहिए चलने के लिए, तो ये वो लकड़ी और ये है उसका सेवक। सेवक तो समझते ही हो आप लोग, बुढ़ा आदमी होता है उसकी सेवा करने के लिए कोई ना कोई सेवक चाहिए, नौकर चाहिए, ये वो आदमी। अब क्या हो गया, इस बुढ़े की बहुत सारी चीज़ों की डिमांड से ये सेवक है वो परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। अब ये क्या बोलता है कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि ये लकड़ी टूट जाए तो बुढ़ा क्या हो जाएगा, चल नहीं पाएगा उधर, एक जगह बैठ जाएगा, तो शांति से मैं यहाँ से निकल सकता। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये डंडी गिर गई, तो ये जो सेवक था वो कहाँ चला गया, वो भाग के इसके चरणों में चला गया, ये रह गया है अकेला बुढ़ा और ये हो गया इसके चरणों, तो समझ में आया। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन का रिलेशन, ये तो मैंने लिखा था एन इक्वल टू एन इज टू एक्स प्लस Equal to 4। जैसे ही लॉग पे इधर डंडा पड़ेगा ये 3 कहाँ जाएगा, इसके चरणों में 81 equal to 3 to the power 4 हो गया। अब जैसे मान लो ऐसे पूछा जाए आपके लॉग ऑफ ये आपकी कोई वैल्यू दे दी आपको मैंने 500 and 256 दे दिया और बेस 4 दे दिया। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि इस 4 का कौन सा पावर लगाओ कि 256 आए,
आप बोलोगे सर हमें तो नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं जब पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं, ये एक्स है, ये एक्स। अब यहाँ पे मैं एक डंडा पड़ूंगा मारूंगा इसको, जैसे ही डंडा पड़ेगा तो ये जो सेवक है इसके चरणों में भाग जाएगा, इधर 256 अकेला रह जाएगा तो 4 की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब 256 को आप 4 की पावर लिख सकते हो, जैसे मैं इसको 2 की पावर तो लिख सकता हूँ कि 8 होता है और ये हो गया 4 की पावर एक्स, फिर मैंने 2 की पावर 2 इंटू 4 लिखा, ये आ गया 4 की पावर एक्स, फिर मैंने लिखा इसको 4 की पावर 4 इक्वल टू 4 की पावर एक्स। अब जैसे ही बोथ साइड एक जैसा बेस दिखा, एक जैसा, तो पावर को इक्वल कर दिया तो एक्स की वैल्यू 4 मिल गई। तो अब मुझे समझ में आ गया कि 4 का कौन सा पावर 256 होता है, 4 का 4 पावर 256 होता है। तो इस तरह से हम लोग पावर फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से। अगर आपको ये रिलेशन समझ में आया है, ये रिलेशन ये वाला, तो ही आप ये कोई भी पावर फाइंड कर पाओगे। जैसे मैंने बोला कि लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी का कौन सा पावर है, तो आपको तो सबको पता है, तो आप सीधा से लिख दोगे सर a प्लस बी का 2 पावर करोगे तो ये मिले खत्म ऐसा। लेकिन कोई ऐसी वैल्यू आ गई जिसका पावर आपको नहीं पता, जैसे मैंने बोला कि लॉग ऑफ 1331, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि ये 11 का कौन सा पावर है, अब बताओ, तो आप क्या बताओगे, वेरी गुड वेरी गुड, ये आपने बताया 3। अब दूसरा तरीका जो हमने अभी पढ़ा, हमें नहीं पता कि क्या पावर है, हमने लेट किया कि वो x पावर। अब लॉग को यहाँ से हटाओगे तो ये जो बेस है वो इसका बेस बन जाएगा 11 टू दी पावर x, ये हो गया 1331। अब हमें नहीं पता कि x की क्या वैल्यू होगी, लेकिन इतना पता है कि 1331 जब 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते तो हमें वैल्यू मिलती है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लॉग की वैल्यू फाइंड। तो ये रिलेशन है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन। इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग जो वैल्यू चाहो वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। देखो जैसे ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ 27 टू द बेस 81, इसकी क्या वैल्यू होगी, लॉग ऑफ 9 स्क्वायर रूट 3 टू द बेस 1/3, इसकी क्या वैल्यू होगी, ये दोनों वैल्यू हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि ये x है। अब जैसे लॉग पे डंडा मारेंगे तो 27 इक्वल टू हो जाएगा 81 टू द पावर x, क्लियर है। अब 27 को आप 3 टू द पावर 3 लिख सकते हो और 81 को 3 टू द पावर 4 लिख सकते हो और ये x मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों तरफ बोथ साइड जो बेस है वो इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल होगी, तो यहाँ से आपको 3 इक्वल टू 4x मिल गया, तो x आपके लिए कितना होगा 3/4, ये x की वैल्यू 3/4 आ गई। तो log ऑफ 27 टू द बेस 81 की वैल्यू हमें क्या मिली, 3/4, समझ गए। अब इसको देखिए log ऑफ 9 स्क्वायर रूट 3 टू द बेस 1/3 ये कितना होगा, ये हमने लेट किया तो इसकी वैल्यू x है, जैसे इधर डंडा पड़ा ये कहाँ जाएगा 9 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1/3 टू दी पावर x, 9 रूट 3 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू दी पावर 1/2 इक्वल टू, इसको 1/3 को 3 टू दी पावर माइनस ऑफ x, क्योंकि 1/3 मीन्स 3 टू दी पावर माइनस 1, ये हो गया 3 की पावर 1, 3 की पावर 1/2, 1/2, 3 टू दी पावर 3/2 equal to 3 to the power minus x, then x equal to minus of 3/2. तो ये जो लिखा हुआ है log of 9 root 3 to the base 1/3, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको minus of 3/2। अब बताइए आप में से किसी को कुछ डाउट, किसी को डाउट नहीं है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता देता हूँ, जो आपको सॉल्व करके मुझे बता। एग्जांपल 2-1 देखो, 9√3 बेस 1/3, यहाँ से लॉग का बेस हटेगा, एक्स का बेस बनेगा 1/3 टू दी पावर एक्स। 1/3 को 3 टू दी पावर माइनस 1 लिख सकते हो, तो 3 की पावर माइनस 1 इंटू एक्स, 3 की पावर माइनस एक्स 1। ये 9 का मतलब 3 स्क्वायर होता है, 9 का मतलब 3 स्क्वायर, और रूट 3 का मतलब 3 की पावर 1/2, देन 2.5 ये 5/2 हो जाएगा, 5/2, देन 3 टू दी पावर 5/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर माइनस एक्स, देन एक्स इक्वल टू -5/2, वेरी गुड, -5/2, तो ये वैल्यू आपको बन जाएगी -5। अभी क्लियर हुआ? हाँ, चलिए आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से। डन। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, बिल्कुल बेसिक वाले लॉगरिथम के, वो आपको सॉल्व करके बताना है। फाइंड लॉग, फाइंड लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर 2 to the base 2। बेस टू है इन नंबर का, लॉग बताना है, √8 दूसरा है, 2√2 नंबर 3 है, 1/5√2 एंड 4th है, 1/7√8 7√8। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड log if base is, जो बेस है वो है 1/3, ध्यान देना अभी बेस 1/3 है, और क्वेश्चन ये है 81 नंबर 2 क्वेश्चन, √3 एंड नंबर 3 क्वेश्चन है वो है 1/7√3 और 4 है 9√3 एंड 5th है 1/9 × 4√3 9 × 4√3। ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन है सिंपल वाले, ये आप लोगों को करके बताना है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। सिंपल सा बेसिक वाला था लॉगरिथम वाला, ठीक है। कल अपनी पूरी क्लास होगी, आज आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है और कल मुझे इसके आंसर बताने, और हर कोई करेगा, सिर्फ एक दो बच्चे नहीं, जितने हैं सारे के सारे, आप सबको ये करना, ध्यान देना, ये सारे सॉल्व करके लाने, रॉन्ग हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई सबको करना, ठीक ठीक है। आज के लिए इतना।